Gospel according to St. John, chapter 11. Yohana, uska 11th adhyay. Verse 40, 40. Yohana rachit susamachar 11th adhyay, 40 pad. Sabke paas Bible hai, our Bible sab khole. और सब लोग हम मिलकर पढ़ेंगे. We all will read it together. हमें से कुछ लोगों के साथ हिंदी बाइबल है, बहुत लोगों से पास हिंदी बाइबल है, कुछ लोगों के पास बंगाली बाइबल है, और कुछ लोगों के पास तमिल बाइबल होगा, और कुछ लोगों के पास क्या होता है उर्दू होगा. जो कुछ भाषा है कोई बात नहीं, एक ही बात कहा है डिफरेंट भाषा में. हम सब लोग मिलकर ये पढ़ेंगे ऊंचा स्वर से. हमें मालूम है आप लोगों का शब्द कितना ऊंचा हो सकता है, वही ऊंचा स्वर में हम पढ़ेंगे. 40 पद, 40th वर्स. Shall we all read together? हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे. Ready? Okay. Before इसे पहले जब हम संदेश में जाएंगे, एक प्रश्न, ये भाग हम हिंदी में बोलेंगे. Okay. ये किसने कहा ये बात? यीशु ने. किसे कहा? किसे कहा है? मार्था और मरियम. इसका क्यों ये बात कहा इनसे? ओके, लाजरस कौन था मरियम और मार्था के लिए? भाई थे. बहुत बहुत बड़ा बीमार हो गया और मर गया. जब वो बीमार था तब एक संदेश भेजा, क्योंकि यीशु के लिए इन लोगों का घर एक अपना घर से तरह था. जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जाते थे, कहाँ रास्ते में हमेशा इस भवन में रुकता था. बिकॉज जीसस लव्ड दीज पीपल, टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर, एंड दीज पीपल द ब्रदर एंड सिस्टर दे लव्ड जीसस वेरी मच. क्योंकि ये जो परिवार था, दो भाई और एक बहन, ये लोग यीशु से बहुत प्रेम रखते थे और यीशु मसीह भी इनसे बहुत प्रेम करते थे. एंड व्हेन लाजरस वाज सिक दे सेंड दिस मैसेज टू जीसस. और जब लाजर बीमार पड़ गया तो उन्होंने इस संदेश को भेजा. एंड द मैसेज सेड, जीसस द वन हुम यू लव इज वेरी सिक. और संदेश ये था कि यीशु जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बहुत बीमार है. That's all, only one sentence. सिर्फ एक ही वो संदेश था. You know, हम लोग प्रार्थना करते हैं, जीवन भर प्रार्थना करते हैं, बहुत शब्दों से प्रार्थना करते हैं, इतना वर्ड्स हम यूज इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना 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 हमेशा करते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है. मालूम है क्यों? It is not how long you pray. और ये मायने नहीं रखता कि कितना लंबा हम प्रार्थना करते हैं. It is how sincere and honest you are with the Lord. और ये मायने रखता है कि कितना ईमानदार और सच्चे मन से हम प्रभु के साथ रहते हैं. Our faith must be sincere. हमारा विश्वास जो है सच्चा होना चाहिए. It means it is not a questioning kind of faith or even checking, you know, testing. और इसका अर्थ यही है कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और परख के रूप में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए. हम सब जगह we went all over the place for the solution of this problem.
किसी समस्या के हल के लिए हम हर जगह भागते हैं टू मच मनी वाज स्पेंड और बहुत पैसा खर्च करते हैं बट नथिंग हैपेंड लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलता है नाउ वी आर हियरिंग अबाउट जीसस और अंत में हम यीशु के विषय में सुनते हैं एंड चलो भाई हम जीसस को भी चेक करेंगे वो कैसा है जीसस इज नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग फॉर यू और आपके लिए कुछ करना यीशु के ऊपर कोई दबाव नहीं है पर एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय दोस हु अप्रोच हिम विद द सिंसियरिटी ऑफ हार्ट वे लोग जो यीशु के पास सच्चे मन से आते हैं फुल्ली बिलीविंग दैट विद जीसस ऑल थिंग्स आर पॉसिबल और पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए कि यीशु के साथ सब कुछ संभव है एंड व्हेन योर नीड कम्स यू जस्ट स्पीक टू हिम One sentence. और जब आपकी कोई आवश्यकता होती है तब आप एक ही वाक्य प्रभु से कह सकते हैं One man prayed only two words, have mercy on me. और एक व्यक्ति ने इस प्रकार प्रार्थना किया कि प्रभु मुझ पर दया कर That's all. सिर्फ इतना ही And the Bible says that man left with joy and happiness. और बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति बहुत आनंद और खुशी के साथ वहां से गया And once you talk to the Lord, और एक बार आप प्रभु से बात करते हैं Just leave at that point. वो बात वहीं पर यीशु के पास ही छोड़ दें Then while you are waiting for Jesus to act, और तब जब आप इंतजार करते हैं कि यीशु मसीह उसका उत्तर दे You keep on thanking him. आप लगातार यीशु को धन्य धन्यवाद देते रहे Keep on praising him. लगातार उसकी स्तुति करते रहे Lord Jesus, प्रभु यीशु, it is in your hand. ये आपके हाथ में है. We know that you can do it. हम जानते हैं कि आप इस काम को कर सकते Then हैं. Then you wait. फिर आप इंतजार करें. Jesus has his timing. और यीशु मसीह के पास अपना समय है. He also has his way. और अपना तरीका है. So this morning, आज की सुबह, I would like to briefly speak something very important for you from this passage. और इस भाग से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ. Please listen very carefully. और बहुत ध्यान से सुने. And apply this lesson into your situation. और इस पाठ को जो भी आप सीखते हैं, आप अपने परिस्थिति में लागू करें. Jesus, by the time Jesus arrived there. जब तक यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे Lazarus was already dead for 4 days. और तब तक लाजर की मृत्यु हो चुकी थी और 4 दिन बीत चुके His थे। body started decaying in the grave. और लाजर का शरीर जो है वो सड़ने लगा उस कब्र में That is the time Jesus arrived there. और वो समय था कि जब यीशु मसीह वहां पर आए And both the sisters went to Jesus. और दोनों बहनें जो है वो यीशु के पास गए First, Martha went. सबसे पहले मार्था गई And she told Jesus. और उन्होंने यीशु से कहा Jesus, यीशु, if you were here while our brother was sick, he would not have died. अगर आप यहाँ पर मौजूद होते जब मेरा भाई बीमार था तब वो मरता नहीं And to her Jesus said. और मार्था को यीशु ने कहा If you believe. अगर तुम विश्वास करोगे you will see the glory तब of God. तुम परमेश्वर के महिमा को देखोगे And then Mary went. फिर उसके बाद मरियम गई To Mary also he said the same thing. और मरियम से भी यीशु ने वही बात कहा Because she also complained the same thing. क्योंकि उन्होंने भी यही शिकायत किया Jesus, था if you were here, कि यीशु अगर आप यहाँ पर होते our brother would not have हमारा भाई मरता नहीं And Jesus told her, if you believe, even now you will see the glory of God. और तब भी यीशु ने कहा मरियम से कि अगर तुम विश्वास करोगे तुम प्रभु के महिमा को देखने पाओगे. Then all of them went to the grave. और फिर सब लोग मिलकर उस कब्र के पास गए. And standing near in front of the grave. और उस कब्र के सामने खड़े होते हुए. Jesus told them. यीशु ने उनसे कहा. You remove the stone. कि कब्र के सामने से वो पत्थर को हटाओ Now, to understand that, और इस बात को समझने के See, लिए their burial, their grave was not like our grave. और वो कब्र जो थे वो हमारे कब्रों के तरह नहीं है Our grave is 6 foot deep खोद कर हम बॉडी इसके अंदर रखते हैं अगर वापस आना चाहते हैं फिर भी नहीं हो सकता है इसी तरह
बट देयर ग्रेव वर लाइक अ केव. लेकिन उस जमाने में जो कब्र होते थे वो एक गुफा में होते थे. इनसाइड द केव देयर वुड बी अ बेंच टाइप ऑफ थिंग. और उस गुफा के अंदर एक पत्थर का एक बेंच के तरह सामान कुछ था. एंड द बॉडी रैप्ड इन क्लोथ्स एंड ऑल विल बी लेड ऑन दैट स्टोन बेंच. और उस शव को कपड़ों से लपेट के फिर उस शव को उस पत्थर के ऊपर लिटाया जाता था. एंड दे कम आउट एंड place a big stone in front in the, in the mouth of the in the cave, door of the cave. उसके बाद उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर से उसको कवर करते थे. The grave in which Jesus or Lazarus was laid was like that. और जिस कब्र में लाजर को डाला था और यीशु को भी रखा था वो ऐसा ही कब्र था. So Jesus told them, "You remove the stone." So यीशु ने उनसे कहा कि इस पत्थर को हटाओ. And then Martha and Mary said. फिर मार्था और मरियम ने कहा. Jesus, don't do it, don't open it. कि ऐसा काम मत करो. Because for 4 days the body is there. क्योंकि 4 दिन से वो लाश वहाँ पर पड़ा हुआ है. By now a bad odor is coming out. और अब तक तो बड़ी बदबू आ रही होगी. Don't open. इसको मत खोलो. In reply to that, in response to that, और उसके उत्तर में Jesus told this. यीशु ने इस बात को कहा. He said, "Didn't I tell you that if you believe, you shall see the glory of God?" कि मैंने ये बात नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे, तब तुम परमेश्वर के महिमा को देखने पाओगे. What was his meaning? यीशु का अर्थ क्या था? His meaning was, if you believe that I am the resurrection and the life. यीशु इस बात को कह रहे थे अगर तुम विश्वास करोगी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. Even now your brother will live. तो आज भी तुम्हारा भाई जी सकता है. And then they removed the stone. फिर उन्होंने उस पत्थर को हटाया. And Jesus gave a loud command. और यीशु मसीह ने ऊंचे आवाज में एक आज्ञा को दिया. Lazarus, you come forth. कि लाजर बाहर निकल आ. And Lazarus came out. और लाजर आया. And so that is the story. So yahi wo ghatna hai. So did they see the glory of God? Kya logon ne prabhu ke mahima ko dekha? Yes. What was the glory there? Ha, wo wahan par mahima kya tha? We don't see any big ball of fire, a brilliant light or anything coming like that. Hum koi badi roshni ya agni ka chakra nahi dekhte hain. But what did they see? Lekin unhone kya dekha? Lazarus came alive. That resurrected Lazarus was the glory of God. और लाजर जी उठ के बाहर निकल आया और वही था परमेश्वर का महिमा. So when a sinner repents and acknowledge Christ as Lord and Savior. So वैसे ही जब एक पापी मनुष्य जो है वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है और यीशु मसीह को ग्रहण करता है. His life is changed. उसका जीवन बदल जाता है. He become like a new person. और वो एक नए सृष्टि बन जाता है. So that changed, transformed person is the glory of God. So यही बदला हुआ व्यक्ति, एक फिरा हुआ व्यक्ति जो है वही परमेश्वर का महिमा है. So what our prayer is in this church, in every service, we will see the glory of God. So हमारी प्रार्थना यही है कि इस कलीसिया में, हर एक सभा में हम ऐसे परमेश्वर की महिमा को देखने पाए. How? कैसे? When a person is saved, जब एक व्यक्ति उद्धार में आता है, he experiences a new life, वो नया जीवन का अनुभव करता है. That is the glory of God. वही परमेश्वर का महिमा है. So let it happen in every service. So ऐसा हर एक सभा में होने पाए. Even this morning, आज की सुबह भी, as we give an invitation to, जबकि हम आपको निमंत्रण देते हैं, if you do not know Jesus, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, and you want to walk out of this place as a new creation, और आप चाहते हैं कि आप एक नई सृष्टि बनके आप बाहर जाएं, that you will come forward and surrender your life to Jesus. मेरी प्रार्थना यही है कि आप आगे आकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे. That is one glory. और ये एक महिमा है. Another kind of glory is when a sick person is suddenly healed. और दूसरा प्रकार का महिमा वो है जब एक बीमार व्यक्ति एकदम से ठीक हो जाता है. Some miracle happens. एक चमत्कार होता है. That is the glory of God. वही परमेश्वर का महिमा है. So Martha and Mary saw the glory of God. So Martha और मरियम ने परमेश्वर का महिमा को देखा. So this morning I like to briefly explain something, two things to you.
और आज की सुबह दो बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ। I hope I don't take more than 20 minutes। और मैं आशा करता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। The title of this message is Believe and See। इस संदेश का शीर्षक है विश्वास करो और देखो। God's ways are always opposite to the world's ways। परमेश्वर के तरीके जो है वो हमेशा संसार के तरीकों से विपरीत होता the है। world says, संसार कहता है see and believe कि देखो और विश्वास करो। Some people don't believe in God because they say they don't see। और कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हम देख नहीं पाते हैं। They are foolish। वे मूर्ख तो हैं। Why? क्यों? There are many things they don't see and yet they believe। क्योंकि ऐसे बहुत से चीजें हैं जो वो देखते नहीं हैं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। For example, उदाहरण के लिए, you cannot see when the wind blows। आप देख नहीं सकते हैं जब हवा चलती है, आप हवा को देख नहीं सकते हैं। You see the manifestation of the presence of हवा। हाँ, हवा है, चल रही है, आप उसके प्रकटीकरण को देख सकते हैं। The trees are swaying to and fro and the leaves are और falling। जो पेड़ के जो ब्रांचेस है वो हिल रहे हैं। These are all works of the हवा। ये सब हवा के कार्य हैं। But हवा itself you have never seen। लेकिन हवा को स्वयं आप देख नहीं सकते हैं। And yet you believe। लेकिन फिर भी आप हवा पर विश्वास करते हैं। You not only believe। आप ना सिर्फ विश्वास करते हैं। You will spend any amount of money to be able to breathe the हवा। और उस हवा को अंदर लेने के लिए आप किसी भी पैसा जितना पैसा लगेगा वो भी देने आप तैयार होंगे। यू नो बट दीस डेज डोंट पे एनी मनी टू ब्रीथ लखनऊ हवा, वेरी डेंजरस। लेकिन आजकल ये लखनऊ के हवा को आप ना लें अंदर। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ मास्क। इसलिए मास्क पहनना पड़ता है। सी हाउ God created beautiful, clean hawa in the atmosphere with oxygen in it। और परमेश्वर ने जब सब कुछ रचा बहुत अच्छा और शुद्ध और अच्छा हवा बनाया। But what do? लेकिन हम क्या करते हैं? We pollute the atmosphere। इस वातावरण को हम गंदा कर देते हैं। And pollute the air। और फिर प्रदूषण बढ़ जाता है। एंड न्यू सिकनेसेस एंड डिजीजेस स्प्रेड। और नए बीमारी और रोग बढ़ते हैं। पीपल हैव नो कंप्लेंट। तब लोगों को कोई शिकायत नहीं। फॉर एनी स्मॉल थिंग दे हैव अ बिग कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड। और किसी छोटे बात के लिए वो शिकायत लेके परमेश्वर के पास जाते हैं। योर ओन सफरिंग, आपका खुद का दुख, योर ओन सिकनेस, आपका खुद का बीमारी, इफ यू सी इट इज नॉट क्यूरिंग, अगर आप देखते हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, डू यू ब्लेम, आप किसको दोष देते हैं? ब्लेम गॉड। आप परमेश्वर को दोष देते हैं। दिस गॉड इज नॉट गुड। ये परमेश्वर अच्छा नहीं है। यो बी सेंसिबल। आप थोड़ा बुद्धिमानी दिखाएं। Why? क्यों? Why are people dying? लोग क्यों मर रहे हैं? Unnecessarily। और बिना वजह के। Man's mistake। मनुष्य का गलती। They not only refuse God। वो ना सिर्फ परमेश्वर का इनकार करते हैं। They don't acknowledge God। वे परमेश्वर को मानते नहीं हैं। Neither do they worship God। ना उसकी आराधना करते हैं। And a God in whom they don't believe, they are complaining। और जिस परमेश्वर के वो विश्वास नहीं करते हैं, उसके प्रति वो शिकायत करते हैं। Don't do that। ऐसा ना करें। It is a man who spoils our atmosphere। ये मनुष्य है जिन्होंने हमारे वातावरण को भ्रष्ट किया है। How sad it is। कितना दुख की बात है। So the world says you see and believe। So संसार कहता है कि देखो और फिर विश्वास करो। How many of you have ever seen electricity? आप में से कितने लोगों ने बिजली को देखा है? You have never seen electricity। आपने कभी भी बिजली को नहीं देखा। And yet you believe in it। लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं। And you pay any amount of money to get an electricity connection। और बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आप कीमत देते हैं। And yet you say, लेकिन फिर भी आप कहेंगे, you cannot believe God because you are not seeing। आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आप परमेश्वर को देख नहीं पाते। That's why the Bible says, और इसलिए बाइबल कहती है, the मूर्ख has said there is no God। मूर्ख व्यक्ति कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। And so don't be foolish। So इसलिए आप मूर्ख ना बने। Let us be sensible and come to God with sincerity and honesty। हम बुद्धिमान बने और सच्चे मन और ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के पास आए। So while the world says see and believe,
God's word says, believe and then see. So जबकि संसार कहता है कि देखकर विश्वास करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करो और तब तुम देखोगे. But if there is one person, one God who is able to do this, it is Jehovah God, the God of the Bible, the Father of our Lord and Savior Jesus Christ. I believe in Him and He is full of love. और अगर कोई एक परमेश्वर है जो इस कार्य को कर सकता है, वो यहोवा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वही इस कार्य को कर सकता है. So while the world is saying see and believe, God is telling you believe and then you see. So जबकि संसार कहता है कि देख कर विश्वास करो, परमेश्वर कहता है कि पहले विश्वास करो तब तुम देखोगे. The first thing I want to say from this passage is, और पहली बात जो इस भाग से मैं बताना चाहता हूं, Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. यीशु ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे, तुम परमेश्वर के महिमा को देखने पाओगे. Therefore, इसलिए, that sickness that Lazarus was suffering, और वो बीमारी जिससे लाजर गुजर रहा था, what was it for? वो किस कारण से था? It was not necessary for Lazarus to get sick suddenly. और ये जरूरी नहीं था कि अचानक लाजर बीमार पड़ जाए. But he was struck with a deadly disease. लेकिन वो एक ऐसे रोग से पीड़ित था जो बहुत खतरनाक था. And then he died. और फिर वो मर गया. Why that sickness? और क्यों ये बीमारी आया? That time, उस समय, that sickness for Lazarus, वो बीमारी जो लाजर को हुआ, had a divine purpose. उसका एक दैवीय एक उद्देश्य था. What was his purpose? वो उद्देश्य क्या था? It was for his glory. ये परमेश्वर के महिमा के लिए था. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, if you are going through some difficult time, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, if you think this sickness is terrible, we cannot suffer anymore, और अगर आप सोचते हैं कि ये बीमारी जो है बहुत भयानक है, हम आगे इसका दुख नहीं उठा सकते, I want you to know one. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जान लें. I want you to see this truth. और मैं चाहता हूं आप इस सत्य को देख लें. If you are truly a believer in the Lord Jesus. अगर आप सच्चे मन से आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, God can use your sickness, your troubles, your trials for His glory. तो फिर परमेश्वर आपके बीमारी को, आपके क्लेशों को, आपके संघर्ष को वो अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। In the Gospel according to Saint John chapter 9, और यहूना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में, we read about a blind man. हम एक अंधे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं। He was blind from birth. और जन्म से ही वो अंधा था। And by this time when Jesus met him, he was over 40 years old. और जब यीशु मसीह उससे मिला, वो उसका उम्र 40 वर्ष हो चुका था। Can you imagine living with that blindness for 40 plus years? और आप कल्पना करें कि 40 से ऊपर वर्षों तक वो व्यक्ति अंधेपन में रहा। And you may be suffering for 2 years or 3 years and you think it is a whole life. और आप 2 या 3 वर्ष अगर किसी बीमारी से गुजरते हैं, आप सोचते हैं कि पूरा जिंदगी हो गया। But if you are simple in your heart to believe that with God all things are possible. लेकिन अगर आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, then God can use that sickness to glorify Himself. तो फिर परमेश्वर उस बीमारी का इस्तेमाल करके अपने महिमा को प्रकट कर सकता है. It doesn't matter what the sickness is. और इसे मायने नहीं रखता कि वो बीमारी क्या है. 40 years old, 50 years old, or 10 days old. चाहे 40 वर्ष या 50 वर्ष या फिर 10 दिनों का हो. With God, it doesn't make any difference. परमेश्वर से इससे कोई मायने नहीं रखता. But without being afraid, लेकिन बिना डरे हुए, and worrying, और चिंता किए हुए, no matter how old your problem is, और चाहे आपका बीमारी कितना पुराना हो, if you have the simplicity to believe in the simple truth that with God all things are possible. और अगर आप सच्चे मन से इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है, you can trust God. तब आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं. Is it true that God causes sickness for His own glory? क्या ये सत्य है कि परमेश्वर बीमारी आने देता है अपने महिमा के लिए? There is a verse in the book of Romans. रोमियो के पुस्तक में एक पद है. I want to read it for you. हम उसको पढ़ना चाहेंगे. And if you are simple enough to believe, listen to this very carefully. और अगर आप इसको सुनना चाहेंगे. Romans chapter 8 verse 28.
रोमियो उसका आठवां अध्याय और 28 वचन. These verses I am reading for you is our own experience. That's why boldly I declare to you. और ये सब जितने भी पद हम पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने अनुभव किए हैं और इसलिए बहुत हिम्मत के साथ मैं इसको बोल सकता हूँ. It says, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई so that is a condition. तो शर्त क्या है? It doesn't say those who believe in him, ये नहीं लिखा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं, but those who love him, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं. See, believing is absolutely necessary in order to love him. देखिए, प्रेम करने के लिए विश्वास करना जरूरी है. So the meaning here is, don't stay mere in that believing state. So इसका अर्थ यही है कि सिर्फ विश्वास करते हुए आप उस स्थान पर ना रहे. You must begin to love this Jesus. आपको इस यीशु मसीह से प्रेम करना है. No matter what happens. और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए. I love Jesus. हम यीशु से प्रेम करेंगे. In all situations. हर एक परिस्थिति में. In my pain. हमारे दर्द में. I love Jesus. हम यीशु से प्रेम करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. In my struggle. अपने संघर्ष में. I love Jesus. हम यीशु से प्रेम करेंगे. In my difficulties, हमारे मुश्किल समय में, I love Jesus. हम यीशु से प्रेम करेंगे. Because while the world does not have any answer to my fears and struggles and pain, my Jesus Christ has. क्योंकि जबकि संसार के पास कोई उत्तर नहीं है मेरे डर के लिए, मेरे समस्याओं के लिए, मैं बीमारी के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास वो सारे उत्तर हैं. हालेलुया, हालेलुया. I mean, lift up our hands and thank God for it. हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें. God loves you in all situations. परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में प्रेम करता है. You know, even when doubts are in your heart, और चाहे आपके मन में संदेह भी आ जाए, Jesus does not deny you. तब भी यीशु मसीह आपको छोड़ता नहीं है. Loves you. वो तब भी आपसे प्रेम करता है. He understands. वो आपको समझता है. And he makes you understand his will, then all your doubts will go. और वो आपको अपने इच्छा को प्रकट करता है, तब आपके सारे संदेह दूर हो जाते हैं. So that is why all things God will work it out for His glory. And for your comfort. और इसी कारण से हर एक बातें जो है परमेश्वर अपने महिमा के लिए वो उत्पन्न करेगा. So before we can see the glory of God, so इससे पहले कि हम परमेश्वर को महिमा को देखे, we must learn to accept His refusal. हमें सीखना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें किसी बात के लिए मना करते हैं तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए. इस refusal. Whatever he refused. जो कोई भी बात परमेश्वर मना करते हैं. For 4 days. चार दिनों तक. It appeared to these two sisters that Jesus Christ has refused their request. इन दो बहनों को लगा कि यीशु मसीह ने आने से इनकार कर दिया. That's why Jesus didn't. और इसलिए यीशु मसीह आए नहीं. He loved them very much. यीशु मसीह इनसे बहुत प्रेम करते थे. And they loved him very much. और वे भी यीशु से प्रेम रखते थे. And yet he did not come. लेकिन फिर भी यीशु मसीह नहीं आए. So what is the conclusion? तो फिर इसका निष्कर्ष क्या है? The natural conclusion is God has denied. स्वाभाविक रूप से हम सोचेंगे कि परमेश्वर ने मना कर दिया आने से. He is refusing. वो उन्होंने मना कर दिया आने से. For 4 days they lived that. चार दिनों तक वो इंतजार करते रहे. Now, how do we take his refusal? जब परमेश्वर मना करते हैं तो उसको हम कैसे ग्रहण करेंगे? You pray and pray and pray. आपने प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया. No answer. कोई उत्तर नहीं. It seems he is refusing. ऐसे लगता है कि परमेश्वर कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं. These sisters send word to Jesus. और इन बहनों ने संदेश भेजा था यीशु के पास. But after receiving the news, he stayed where he was for 2 more days. लेकिन संदेश सुनने के बाद यीशु मसीह उसी स्थान पर 2 दिन और रहे. He never moved out to that place. उस स्थान से हिले भी नहीं. And by the time he arrived at their house, और जब तक यीशु मसीह उस स्थान को छोड़कर उनके घर पहुंचे, Jerusalem to Bethany, यरूशलेम से बेथनी, it was 2 days journey. 2 दिन का यात्रा था.
By the time he arrived, it was 4 days. और जब तक यीशु मसीह वहाँ पहुँचे तो 4 दिन बीत चुके थे. And Lazarus was already dead for 4 days. और तब तक लाजर 4 दिनों से मरे पड़े हुए थे. The first day when he sent word that day itself evening, Lazarus died. और जिस दिन संदेश भेजा गया था उसी शाम को लाजर की मृत्यु हो गई. So to them it seemed that Jesus refused them. So उन बहनों को ऐसे लगा कि यीशु मसीह ने आने से इनकार कर दिया. Refused them what? क्या इनकार किया? A miracle of healing. चंगाई का चमत्कार. While Jesus was still alive, जबकि यीशु मसीह जीवित थे, there was a possibility of him coming and healing him. जब लाजर जीवित थे तो फिर संभावना ये था कि यीशु मसीह आकर उनको चंगाई करे. But listen to this very carefully. लेकिन बहुत ध्यान से सुने. I want you to take this to your heart. इस बात को आप अपने हृदय में ले लें. Refusal of one blessing, एक आशीष को मना करने से, means not denying you. इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर वो आशीष आपको इनकार कर रहे हैं. But he wants to give you a greater miracle. लेकिन परमेश्वर आपको उससे बढ़कर एक आशीष देना चाहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank Hallelujah. You. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Refusal of one blessing, एक आशीष को मना करने से, means he has a greater blessing to give you. इसका अर्थ यही है कि परमेश्वर के पास उससे बढ़कर एक आशीष है आपको देने के लिए. Now your question is, अब आपका सवाल ये होगा, when is that blessing going to come? कि वो आशीष कब मिलेगा मुझे? That you leave it to him. वो आप परमेश्वर के पास छोड़ दें. It may take a longer time than you. हो सकता है आपके आशा से और ज्यादा समय ले. But this I will say. लेकिन ये बात मैं कहूंगा. As long as you think that there is still possibility of some treatment or some magic or something happen, you keep on trying, God will not act. जब तक आपके मन में ये संभावना है कि उस परिस्थिति का हल हो सकता है या इस इलाज से हो सकता है उस इलाज से ठीक हो सकता है तब तक परमेश्वर कार्य नहीं करेगा. Why? क्यों? Because if there is healing or a miracle, क्योंकि उस समय अगर चमत्कार और चंगाई हो जाए, you will give 25% honor to God. आप उस प्रति 25% महिमा आप परमेश्वर को देंगे, and 75% to the treatment of और 75% उस इलाज को. Bible says, Bible कहती है, God will not share His glory with anybody else. परमेश्वर अपने महिमा को किसी के साथ नहीं बांटेगा. There you will. I have seen my brothers and sisters, my friends. I have experienced it. There are people who prayed and prayed. While they are praying, they also were trying so many other things and nothing happened. मेरे भाई और बहनों, मैंने इसको देखा है, अनुभव किया है, और लोगों को देखा है कि वो बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ वो दूसरे चीजों को भी कोशिश कर रहे हैं. I have experienced in my family. मैंने अपने परिवार में इसका अनुभव किया है. When Twinkle was born. और जब ट्विंकल पैदा हुई थी. For the first 5 months. पहले 5 महीनों तक. She was having this hookum, what do you say, hook, that cough, that funny cough, non-stop coughing. Hiccup. Not hiccup. Hook. Huh? Whooping. Whooping up, yeah. That's right. That means non-stop coughing. She wakes up with the coughing. और 5 महीनों तक वो लगातार खांसी करती रही. And throughout, she wakes up. और वो सो के जब उठती थी तब उस खांसी से. Throughout the day, cough, cough. और पूरे दिन भर वो खांसती थी. We were taking her to doctors. और हम उनको बहुत डॉक्टरों के पास ले गए. First one doctor. एक डॉक्टर के पास ले गए. He will prescribe some tablet or some. वो कुछ दवाई देंगे. He will say, take 5 days and then come and see me again. 5 दिन इसको लेकर फिर वापस दिखाएं. He also knows his medicine is not going to heal.
और वो भी जानता है कि उसके इलाज से ये ठीक नहीं होगा। But we as parents, we are concerned somehow if this child. लेकिन हम जो माता पिता है हम चिंतित है कि किसी तरह ये बच्चा ठीक हो जाए। And then whatever money he will take us, he will take. और फिर जो भी पैसा मांगेगा वो हमें देना पड़ेगा। And then we'll go to another doctor. और फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। We went to 2-3 doctors. ऐसे 2-3 डॉक्टरों के पास हम गए। All the doctors will prescribe this. Tonic or whatever it may be, 5 days you take, then come and see us. और ये सब डॉक्टर कुछ टॉनिक देंगे और बोलेंगे 5 दिन पिला के देखो फिर वापस आओ। How many 5 days we have passed? और ऐसे कितने 5 दिन हो गए? For 5 months. 5 महीनों तक। At last we decided. अंत में हमने ये बात निश्चय किया। This is foolishness. ये तो मूर्खता है। We have a God who is our healer. हमारे पास एक परमेश्वर है जो चंगाई देता है। So whatever medicine was there, we threw away. So जो भी दवाई थे हमने वो सब फेंक दिया। We stopped taking her to any hospital. और हमने फिर उसको किसी भी हॉस्पिटल नहीं ले गए। Stop going to any doctor. और किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए। Just talk to the Lord. सिर्फ हमने प्रभु से बातें किया। Lord, हमने कहा प्रभु we are exhausted, हम थक गए हैं। But this child is suffering. लेकिन ये बच्चा पीड़ित है। She is in your hand. ये आपके हाथों में है। Within 3-4 days he was completely healed. 3-4 दिनों के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो गई। Until today, और आज तक she never had that problem. ऐसा खांसी कभी नहीं आया। And if we continue to go and see doctors, और अगर हम लगातार डॉक्टरों के पास जाते रहे, she would have been coughing even today. तो हो सकता है आज भी वो खांसती हो। So as long as you think there is a possibility, he will not step in. So जब तक आपके मन में ये हो कि एक संभावना है इस इलाज से ठीक हो जाएगा, परमेश्वर नहीं करेगा। But then when you admit one thing. लेकिन जब एक बार आप इस बात को मानेंगे, you spend all the lakhs and lakhs of rupees, और जितने लाखों रुपया आप खर्च करेंगे, and nothing is happening, और कुछ नहीं होता है, you are discouraged, आप निराश हो जाते हैं, and you are almost giving up, और आप फिर हार मानते हैं, but where to go? लेकिन हम कहाँ जाएं? Who is there to help? कौन है हमारी सहायता के लिए? I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, when all the doors are closed, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं, when all the possibilities are closed, जब सारे भावनाएं बंद हो जाते हैं, There is a God in heaven. ये स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. All man's effort has limitation. सारे मनुष्य के कोशिशों में सीमा है। But our God's power has no limit. और लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई सीमा नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. And when you admit that there is no help in this world. और जब आप इस बात को इस स्थान पर पहुंच जाते हैं कि इस संसार में कोई मदद नहीं है, surrender yourself to Jesus. और आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं यीशु के हाथों में, your burden at the feet of Jesus. और अपने बोझ को यीशु मसीह के पांव पर रख देते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, it is my burden. ये मेरा बोझ है। I am leaving it on your shoulders. मैं इसको आपके पांव में छोड़ता हूँ। I have no answer in this world. इस संसार में मुझे कोई उत्तर नहीं है। And then wait and see. और फिर इंतजार करें और देखें। You will see the glory of God. आप परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. How many testimonies? और कितने गवाहियां? My own sister is a living testimony. और मेरी खुद की बहन जो है एक जीवित एक गवाह है। Some of you know Sam Abraham, our Bible college. और आप में से बहुत लोग पास्टर सैम अब्राहम को जानते हैं। His mother is my sister. और उनकी माँ जो है मेरी बहन है। She was afflicted by this terrible problem of arthritis. और उन वो बहुत दिनों तक आर्थराइटिस से पीड़ित थी। All her fingers were crooked like this. और सारे उंगलियां जो है वो मुड़ गए थे। She could not open even a single finger. और एक भी उंगली वो खोल नहीं सकती थी। Terrible pain all over the body. और बहुत दर्द पूरे शरीर में। She could not take steps and walk. और वो कदम भी नहीं ले पाती थी चलने के लिए। And she could not even pick up a spoon.
और एक चम्मच भी नहीं उठा पाती थी अपने हाथों से. इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन. बहुत भयानक एक स्थिति. पीपल हु आर अफ्लिक्टेड विद दैट काइंड ऑफ आर्थराइटिस. और इस प्रकार का आर्थराइटिस से जो लोग पीड़ित होते हैं, दे विल स्पेंड देयर टाइम आइदर ऑन बेड और ऑन व्हीलचेयर. या तो वो बिस्तर पर या व्हीलचेयर पर पड़े रहते हैं. But today, लेकिन आज, my sister can walk. मेरी बहन चल सकती है. She takes her own food. वो अपने खुद का खाना को लेती है. She has her own bath. और खुद नहाती है. Why? क्यों? Even in that condition, जब वो arthritis से पीड़ित थी, she will not miss church. वो कभी भी चर्च को जाने से नहीं रोकती थी. She will come by auto rickshaw. वो ऑटो से आती थी. And some sisters will come and help her to be seated. और कुछ बहन लोग उनकी मदद करते थे वहाँ चर्च के अंदर बैठने के लिए. But when the worship goes on. लेकिन जब आराधना होता था. You know, if you know how we worship in Kerala. अगर आप जानते हैं केरल में हम कैसे आराधना करते हैं. In South India. दक्षिण भारत में. We worship wholeheartedly. हम पूरे मन लगाकर ताकत लगाकर आराधना करते हैं. Nobody has to tell us to clap our hands. और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है ताली बजाने की. Nobody has to tell us say praise the Lord. और बोलने की जरूरत नहीं है परमेश्वर की स्तुति करो. We will praise the Lord when we are so stirred up in our hearts. और हमारा हृदय जब चलित हो जाता है तो फिर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं. And everybody clap their hands when we sing. और जब गीत गाया जाता है हर एक व्यक्ति ताली बजाता है. Her hand was in that condition. और जबकि उनके हाथ जो है ऐसे स्थिति में भी था. With you know she has a big loud voice. और उनका भी आवाज बहुत ऊंचा तेज था. Some of you who knew how I used to preach here earlier, you have not heard my voice yet. All of us have been blessed with a nice voice. और मेरे पूरे परिवार में हम सब का आवाज जो है बहुत ऊंचा है, तेज है. She will sing with his whole, her whole heart. और वो अपने पूरे हृदय से जोर से गाती And थी. And even when her hand was in that condition. और जबकि उनका हाथ जो है जब वो उस बीमारी से गुजर रही थी. Whatever strength she has, she will use it. Like this, when you will clap her hand. और जो भी ताकत उनके अंदर था उसी ताकत से वो तब भी ताली बजाती थी. No complaint. कोई शिकायत नहीं. She trusted her God. उन्होंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा. She is in that condition when it is a living testimony that we attribute to her faith. और आज वो चंगी हो गई है. वो जीवित गवाह है कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है. We know. People who are still on wheelchair because they are not able to stand. People of that sickness. और ऐसे बीमारी से पीड़ित लोग आज भी व्हीलचेयर और बिस्तर पर पड़े रहते हैं. My brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों. You know, Abraham was promised a son when he was 75 years old. जब अब्राहम 75 वर्ष का था परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि उसको एक पुत्र मिलेगा. I am 75 now. अब मेरा उम्र 75 हो गया है. And that, what, sir, you cannot even imagine that you will ever have a child after 75. और 75 वर्ष के बाद आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि आपका कोई बच्चा होगा. Maybe men can have, but our wives will not conceive because she has her limited time. और क्योंकि स्त्री के पास अपना सीमित समय होता है और उस एक उम्र के बाद वो गर्भपात नहीं हो सकती. When Abraham was 75 years old, और जब वो 75 वर्ष का था, he was promised. तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया. Isaac was born. इसहाक पैदा हुआ. How old was Abraham? अब्राहम का कितना उम्र का था? 100 years old. 100 वर्ष का था तब इसहाक पैदा हुआ. How old was his wife? और उसकी पत्नी 90 years old. 90 वर्ष की थी. A 100-year-old man may still have some living cell, but not a woman. और 100 वर्ष का आदमी हो सकता है, संभव है कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन एक स्त्री. Bible says both of their bodies were as good as dead. और Bible बताती है कि दोनों का शरीर जो है वो लगभग मर चुका था. 25 years he waited. उस प्रतिज्ञा के बाद अब्राहम ने 25 वर्ष इंतजार किया. Why?
क्यों? When all the possibilities were gone. जब सारे संभावनाएं जो थे वो खत्म हो गए थे. When no one can even imagine. जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. And when they were not expecting. और जब वो आशा भी नहीं कर रहे थे. In fact, Sarah had a difficult time in believing. So she worked out a plan for them to have a child through her servant woman Hagar. और बल्कि अब्राहम की पत्नी सारा को बहुत मुश्किल था इस बात को विश्वास करने के लिए, इसलिए उन्होंने खुद अपना एक योजना बनाया किस प्रकार वो लोग एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। You must understand that God has His way and He has His time. आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर के अपने तरीके हैं और अपना समय है। By refusing their request, और उनके विनती को इनकार करने से, Christ decided to give them far above what they have asked. परमेश्वर ने इस बात को इच्छा को रखा कि जो कुछ भी उन्होंने मांगा है उससे बढ़कर वो उन्हें दे। There is a verse in the New Testament. नए नियम में एक वचन है. In one of the epistle letter that Paul wrote. पौलुस ने एक पत्री को लिखा. He says. वो कहता है. Now unto him who is able to do exceeding or immeasurably more than you ask or even imagine. और वो परमेश्वर जिसके लिए संभव है कि जो कुछ भी आप कल्पना करते हैं या सोचते हैं उससे कहीं बढ़कर उस कार्य को वो करता है। My dear friends, मेरे मित्रों, my brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, that is the word of God. यही परमेश्वर का वचन है। God is true. परमेश्वर सच्चा है। He has not told us any lie. परमेश्वर ने कोई झूठ नहीं बताया है। He is able to do exceeding abundantly things that you could not even imagine. परमेश्वर योग्य है कि ऐसे कामों को करते हुए जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। All that I am encouraging you to do is. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Take your burden. आप अपने बोझ को लें। And cast it upon Jesus. और यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दें। And wait with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ फिर इंतजार करें। Serve him. उसकी सेवा करें। Love him. उससे प्रेम करें। Worship him. उसकी आराधना करें। And be faithful to him. और उसके प्रति विश्वास योग बने रहें। And see what God will. और फिर देखें परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। God is able. परमेश्वर योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. He is able to raise the dead. वो योग्य है मुर्दों को जिलाने के लिए. But he does not do it everywhere, all over the place. लेकिन हर समय हर जगह नहीं करता है. That is not his will. ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है. But he does where and when he wants to do. लेकिन जहाँ चाहे और जब चाहे परमेश्वर उस कार्य को करता है. Where he gets all the glory. जहाँ परमेश्वर को सारी महिमा और आदर मिलेगा. 100% glory goes to him. 100% आदर परमेश्वर को मिलेगा. Hallelujah. Hallelujah. Because whatever miracle he does not do it for you, but he does it for his own name'sake. क्योंकि जो कोई भी चमत्कार या चंगाई परमेश्वर करते हैं, वो आपके लिए नहीं, लेकिन खुद के महिमा के लिए करते हैं. Own glory. अपने खुद के महिमा के लिए. Hallelujah. Hallelujah. And when he knows he does not receive all the glory, he may not do. और जब परमेश्वर जानते हैं कि उसको महिमा नहीं मिलेगा, पूरा महिमा नहीं मिलेगा, so, तो शायद नहीं करेगा. So let me say to you. So मैं आपको बताऊं. By refusing one blessing. एक आशीष को इनकार करने से. They were asking only for a healing. वे सिर्फ एक चंगाई को मांग रहे थे. But God had planned to give them a resurrection. लेकिन परमेश्वर का योजना था उनको एक पुनरुत्थान दे. Hallelujah. Hallelujah. Thus he revealed himself to be the resurrection and the life to the world by making Lazarus sick and die and then raising him from the dead. और परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि पुनरुत्थान और जीवन वो ही है, इस बात को करते हुए कि लाजर को बीमार किया, फिर उसको वो मर गया, फिर से जी उठाया. So God has a purpose. So परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है. Why you are suffering? क्यों आप दुख उठा रहे हैं? He has a plan.
एक योजना है to give you a greater glory. आपको एक बड़ा महिमा देने Amen. के लिए Amen. For give him the glory. आप उसको महिमा दे. That ninth chapter John I talked about blind man. और यहूना 9 में जो हमने देखा उस अंधे व्यक्ति The disciples asked Jesus. चेलों ने यीशु से पूछा. Jesus, who did sin? That this man was born to be blind, he did or someone else did? कि यीशु किसने पाप किया? इस मनुष्य ने पाप किया कि या इसके माता पिता ने पाप किया? Jesus said. यीशु ने कहा. Neither he nor anyone else. ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया. But this blindness came to him. लेकिन ये अंधापन उसके जीवन में इसलिए आया. There is a divine purpose. एक दैवीय एक उद्देश्य है. What was that purpose? वो उद्देश्य क्या था? That God's work may be manifested in his life. कि परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में प्रकट होने पाए. If you are suffering, अगर आप दुख उठा रहे हैं, this is the purpose. यही वो उद्देश्य है. He wants to reveal his power in you. वो चाहते हैं कि वो अपने सामर्थ को आपके अंदर प्रकट करे. The power of God may be manifested in you. परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर प्रकट होने पाए. So will you yield yourself to him? तो क्या आप अपने आप को सौंप देंगे उसके हाथों में? Then only that power will be manifested in his life. तब भी वो सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा. Secondly, दूसरी बात, it was also a test of faith. वो विश्वास का एक परख था. The first thing Jesus told them after coming to the grave. और पहली बात जो यीशु ने उनसे कहा कब्र के पास आने. Take away the stone. कि उस पत्थर को हटाओ. Verse 39. 39 पर. Take away the stone. उस पत्थर को हटाओ. Why did he ask them to take away the stone? यीशु ने क्यों कहा उस पत्थर को हटाओ? There are two important lessons. तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ है. Number one. पहली बात. Christ desires your participation in making that miracle possible. परमेश्वर चाहते हैं कि वो चमत्कार करने के लिए आपका भी हाथ हो. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? He wants to make you his partner in performing the miracle. परमेश्वर चाहते हैं कि चमत्कार के लिए आप भी एक हिस्सेदार बन जाएं. Hallelujah. Hallelujah. Would you have the faith enough to commit yourself to Jesus and tell him, Jesus, I am here. You may use me in any way you want. क्या आपके अंदर वो विश्वास और समर्पण है कि आप प्रभु से बोले कि प्रभु मैं यहाँ उपलब्ध हूँ किसी भी तरह आप इस्तेमाल करें. See if they did not obey. अगर वे आज्ञा को ना मानते. Lazarus would have been in the grave and remained there. तो फिर लाजर उस कब्र में ही पड़ा रहता. It was a test of their faith. ये उनका विश्वास का परख था. Why? क्यों? Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. यीशु ने कहा कि अगर तुम विश्वास करोगे तुम मेरे महिमा को देखने पाओगे. Did they believe that? क्या उन्होंने इस बात पर विश्वास किया? It was difficult for them to believe. उनके लिए मुश्किल था विश्वास करने के लिए. But nevertheless, they obeyed. लेकिन फिर भी उन्होंने आज्ञा को माना. Amen. Amen. They obeyed. उन्होंने आज्ञा को माना. Hallelujah. Hallelujah. If Jesus said, our brother will rise again, he will rise again. अगर यीशु ने कहा कि हमारा भाई उठेगा, जी उठेगा, वो जी उठेगा. It was that faith that enabled them to remove. और यही विश्वास से उन्होंने उस पत्थर को हटाया. Whatever stumbling block you laid on the way, और उस रास्ते में कोई भी अगर रुकावट है, you remove it. उसको हटाओ. Doubt, संदेह, unbelief, अविश्वास, and a refusal to submit yourself to God, और अपने आप को न सौंपना परमेश्वर के हाथों में, and follow Him, और उसके पीछे न चलना, worship Him in love. प्रेम से आप उसकी आराधना करें. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. आमेन. आमेन. यू रिमूव व्हाट स्टंबलिंग ब्लॉक्स यू केप्ट ऑन द वे. जो भी रुकावट आपने उस रास्ते में रखा है उसको हटाओ. आमेन. हालेलुया. सो क्राइस्ट इज डिजायरिंग टू मेक यू अ पार्टनर for a miracle for your life. So parmeshwar chahta hai ki jo bhi chamatkar wo kare aap bhi uske hissedar bane. It is when you do what you are able to do, Christ will step in and do what you cannot do. Jo aap kar sakte hain
जब आप उस कार्य को करेंगे तो परमेश्वर आएगा और जो कार्य आप नहीं कर सकते हैं वो कार्य वो करेगा. Miracles happen, चमत्कार होते हैं, when you do what you are able to do, जब आप उस काम को करते हैं जो आप कर सकते हैं. Christ will do what you cannot do. तो जो आप नहीं कर सकते हैं वो काम परमेश्वर करेगा. See, they could not raise Lazarus. लोग जो है वो लाजर को जिला नहीं सकते थे. That only God could do. वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था. But when those sisters and others did what they could do by removing the stone, लेकिन वो काम करने से जो वो कर सकते थे कि उस पत्थर को हटाना. I mean, it didn't take a miracle for the stone to be removed. वो पत्थर को हटाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं था. Your own hand has placed the stone. तुम्हारे खुद के हाथों ने उस पत्थर को रखा वहां. Your own hand had removed it also. तुम्हारे खुद के हाथ उस पत्थर को हटा सकते हैं. So this morning, so आज की सुबह, I am encouraging you. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. Without questioning, बिना सवाल किए, without checking or testing God, और बिना परमेश्वर को परखे हुए, unconditionally, बिना शर्त के, surrender yourself to the Lordship of Jesus. अपने जीवन को समर्पित कर दे प्रभु के हाथों में और उस पर भरोसा रखें. And believe in his name. और उसके नाम पर विश्वास Follow him. और उसके पीछे चले. Amen. Amen. You know, India to become a Jesus worshipping country. और अगर हम देखना चाहते हैं कि भारत देश जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बने. First, he is not going to send angels to do that. सबसे पहली बात, परमेश्वर इस काम को करने के लिए किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा. So he is first desires. The church's participation. सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि उसका कलीसिया इसमें हिस्सा ले. How? कैसे? By preaching the gospel. सुसमाचार को प्रचार करते हुए. Giving ourselves to witnessing. अपने आप को दे गवाह बनने के लिए. Doing everything we can. जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसको करने से. Pray. प्रार्थना करें. Intercede. मध्यस्थता करें. Fast and pray. उपवास और प्रार्थना करें. Give. दे your time, आपका समय, your strength, आपका ताकत, and your money, और आपका पैसा, and then you go, और फिर आप जाएं, go wherever you can, जहां कहीं भी आप जा सकते हैं, and encourage the pioneer pastors, और जो शुरुआत के पासवान हैं उनको उत्साहित करें, and bless them, और उनको आशीषित करें. Pray with them. उनके साथ प्रार्थना करें. Do all these things. ये सब कार्यों को करें. And then see how much glory we will see. और फिर आप देखें कितना महिमा आप देखेंगे. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. At this moment. और इस समय. God is able to save. परमेश्वर योग्य है बचाने के लिए. And he is able to save with the complete salvation. और संपूर्ण उद्धार के साथ वो बचा सकता है. When he heals, he will heal completely. जब वो चंगा करता है तो संपूर्ण रीति से चंगा करता है. When he saves you, he will save you completely. जब उद्धार करता है तो संपूर्ण रीति से उद्धार देगा. Praise God. Is it to anybody?